रांची का रिम्स, जहां डॉक्टर से ज्यादा आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी। रिम्स की यह सुरक्षा व्यवस्था कभी कभी मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। एक रिपोर्ट देखिए। यह आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इतनी सुरक्षा के बावजूद डॉन तो फिल्म में भाग गया था। खैर, ये सुरक्षाकर्मी डॉन को पकड़ने नहीं बल्कि रिम्स के डॉक्टरों की सुरक्षा में जुटे हैं। आप रिम्स में घुसेंगे और सीधे थर्ड डिग्री पूछताछ से गुजरेंगे। जिधर देखेंगे उधर डॉक्टर नहीं बस सुरक्षाकर्मी दिखेंगे। यकीन ना हो तो उनको सुन लीजिए जो रिम्स में परिजनों का इलाज करवा रहे हैं। क्योंकि मतलब कहने मतलब ये लग रहा है, ये लगता है कि जैसे कि कोई यहाँ पर कोई आदमी जो है ना, कोई यहाँ पर कोई क्राइम करके आया हुआ है, ठीक है ना। उस तरह यहाँ से हैंडल किया जा रहा है, गार्ड लोग इस तरह हैंडल कर रहे हैं पेशेंट से और लोग और अटेंडेंट से। यहाँ माने परेशान करता है कि पास लाओ, फिर लाओ, डॉक्टर लिख देता है, दवा दौड़ के जाते हैं बाहर लाने के लिए, फिर घुसने में मुश्किल है। पास लाइए तो पास एगो चुटा देता है, तो इनको जैसे पेशेंट ले कहाँ दो आदमी हैं तो पास पांच गो नहीं रहेगा, एक एक रहेगा, बहुत पूरा भरा रहे, जितना आदमी है उतना फोर्स है। अक्सर डॉक्टरों के साथ रिम्स में परिजनों द्वारा मारपीट की खबरें तो सुर्खियां बटोरती रहती हैं। आपने भी जरूर देखा और सुना होगा। अब आपको रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा दे देते हैं, इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। इमरजेंसी और ब्लड बैंक के पास 3 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे तैनात। बरियातू पुलिस और रिम्स के सुरक्षाकर्मी 24 घंटे रिम्स परिसर में गश्ती करेंगे। ओपीडी में भी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, एक टीम ओपीडी में गश्ती करती रहेगी। सभी वार्ड में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा कर्मियों की टीम हर वार्ड में गश्ती पर भी रहेगी। सैप, जिला पुलिस और निजी गार्ड्स के हवाले है ये सुरक्षा व्यवस्था। रिम्स अधीक्षक और उपाधीक्षक के साथ सुरक्षा कर्मी भी निरीक्षण करते रहेंगे। नहीं, छावनी नहीं है एक्चुअली। देखिए, हम लोग की आदत है कि हम लोग एक मरीज के साथ 10 आदमी जाने की, तो उसको रोकता है तो उन लोगों को लगता है कि छावनी में तब्दील कर रहे हैं। ऐसा कोई छावनी नहीं है, आप घूम के भी देख सकते हैं, लोग अपने खाली जगह पर तैनात है, और कोई ऐसा छावनी नहीं है कि कोई बंदूक लेकर के वहाँ पर खड़ा है ना, ऐसा कुछ तरह का बात नहीं है। मरीज चाहते हैं कि एक मरीज के परिजन चाहते हैं कि हम मरीज के साथ 4-5 आदमी जाएं, साथ में रहें। उससे क्या होता है कि अगर मरीज अंदर भर्ती है तो बाहर में उन लोगों का भीड़ लगा रहता है, और भीड़ लगा रहता है तो कभी भी अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है। तो इसको इतना ही नहीं, जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को कुछ गड़बड़ महसूस होगी वो सीटी बजाकर लोगों को आगाह करेंगे। ये अच्छा है, डॉक्टरों की सुरक्षा जरूरी है, पर ये और भी अच्छा होता अगर सुरक्षा पर जितनी मेहनत हो रही है उतनी मेहनत मैन पावर, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या बढ़ाने में भी होती, जिससे इन पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, इलाज बढ़िया होता, मरीजों की जान नहीं जाती, तो परिजन गुस्सा ही नहीं होते, और जब परिजन गुस्सा नहीं होते तो इतनी सुरक्षित व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिम्स प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।